जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जीएस सेंटर में। चलिए अब मैं आप लोगों के लिए पूरे फरवरी महीने का जो है करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ, जो आपके लिए ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। ये जो है महिंद्रा का जो है करंट अफेयर्स है। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि जोको विडोडो, जोको विडोडो जो है किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। तो जोको विडोडो जो है कहाँ के, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति चुने गए, कहाँ के, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति इन्हें चुना गया है। ठीक, अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन बने हैं। तो जम्मू कश्मीर के जो है पहले उपराज्यपाल कौन बने हैं, तो गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन बने हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक, अगला प्रश्न है कि लद्दाख के पहले उपराज्यपाल, तो लद्दाख के पहले उपराज्यपाल बने हैं कौन, राधा कृष्ण माथुर। कौन बने हैं, राधा कृष्ण माथुर। और हाल ही में यूएई में भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो हाल ही में जो है यूएई में भारतीय राजदूत के रूप में किसे, पवन कपूर को नियुक्त किया गया है। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि पूर्व सांसद गुरदास दासगुप्ता का 83 वर्ष की आयु में 31 अक्टूबर का निधन हो गया, तो उन्हें किस राजनीतिक दल के उप महासचिव के रूप में कार्य किए थे। तो वे जो है सीपीआई के, किसके, सीपीआई के जो है वे दल पे काम किए थे। ठीक, अगला प्रश्न है सीपीआई के जो है पूर्व नेता व पूर्व सांसद सदस्य का हाल ही में निधन हो गया, वे उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था गुरदास दासगुप्ता। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि भारतीय किस केंद्रीय मंत्री ने सैन्य एवं सैन्य तकनीकी सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता की है, तो अध्यक्षता करने वाले कौन है, तो राजनाथ सिंह। कौन हो जाएंगे, तो राजनाथ सिंह। ठीक, अगला प्रश्न है कि पी एस श्रीधरन पिल्लई को किस पूर्वोत्तर राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, तो किसका, मिजोरम का जो है इन्हें राज्यपाल शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति चुना गया है, तो शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान को जो है यूएई का पुनः राष्ट्रपति इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक, अगला प्रश्न है कि किस भारतीय प्रवासी नागरिक का दर्जा गृह मंत्रालय से वापस ले लिया गया है, तो किस प्रवासी भारतीय नागरिक का, तो आतिश तसीर। वो कौन है, आतिश तस्वीर है। ठीक, अगला प्रश्न है किस नेता ने 9 नवंबर 2019 को करतारपुर कॉरिडोर चेक पोस्ट का उद्घाटन किया, तो वो किसने किया है, तो नरेंद्र मोदी। किसने किया है, करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन, तो नरेंद्र मोदी। ठीक, अगला प्रश्न है नैतिक कारणों का जो है हवाला देते हुए भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्योग के केंद्रीय मंत्री के रूप में किसने इस्तीफा दे दिया, तो ये है अरविंद सावंत। इस्तीफा देने वाला ये कौन है, तो अरविंद सावंत है। ठीक, अगला प्रश्न है कि पूर्व चुनाव आयुक्त का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया, जिन्होंने भारत में चुनावी सुधारों की पुरजोर वकालत की थी, तो इनका क्या नाम है, टीएन सेशन। जिनका हाल ही में निधन हो गया वो है टीएन सेशन। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मेट्रोपोलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के बोर्ड में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है, तो मेट्रोपोलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के बोर्ड के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय नीता अंबानी। ठीक, कौन है, नीता अंबानी। किस देश ने बोलिविया के पूर्व राष्ट्रपति इवो मोरेलोस को शरण दी है, तो किसने दी है, बोलिविया के पूर्व राष्ट्रपति को, तो मैक्सिको ने। ठीक, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्री को भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम का जो है अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, तो किसे दिया गया है, तो प्रकाश जावड़ेकर को दिया गया है। किसे दिया गया है, प्रकाश जावड़ेकर को। ठीक, अगला प्रश्न है किस महिला अधिकारी को नौसेना सहबद्ध के रूप में विदेश में तैनात किया गया है, तो ये है कैरवी गोगोई। कौन है, कैरवी गोगोई। ठीक, बिहार के किस प्रसिद्ध गणितज्ञ का जो है हाल ही में निधन हो गया, तो कौन थे वे, वशिष्ठ नारायण सिंह। जिनका हाल ही में निधन हो गया वो है वशिष्ठ नारायण सिंह। अगला प्रश्न है न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक ने किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, तो न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक जो है कहाँ के, मेघालय के जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं। ठीक, अगला प्रश्न है किस, अब पुरस्कार से संबंधित प्रश्न है, किस अभिनेता को जो है आई के स्वर्ण जयंती के प्रतीक के लिए पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो कौन अभिनेता है, तो रजनीकांत। कौन हो जाएंगे, रजनीकांत। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की स्वर्ण जयंती पर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो इसाबेल हुपर्ट। किसे, इसाबेल हुपर्ट को। ठीक, अगला प्रश्न है इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान श्रेणी में इन्फोसिस पुरस्कार 2019 किसे, किसने जीता है, तो इन्फोसिस पुरस्कार जो है सुनीता सरवागी। किसने जीता है, तो सुनीता सरवागी ने जीता है। अगला प्रश्न है कि उत्कृष्ट साहित्य कार्य के लिए व्यास सम्मान 2019 के लिए किसे सम्मानित किया गया, तो 2019 का जो है व्यास सम्मान किसे मिला है, तो नसीरा शर्मा को। किसे मिला है, नसीरा शर्मा को। ठीक, अब जो है कुछ प्रमुख योजनाएं हैं देख लेते हैं।
कि किस केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को अब 31 अक्टूबर 2019 से 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार सभी भत्ते मिल रहे हैं, तो वो है जम्मू कश्मीर। कौन है? जम्मू कश्मीर। ठीक, अगला प्रश्न है, कर्नल चेवांग रिंचेन सेतु का उद्घाटन हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस स्थान पर किया है? तो किस स्थान पर किया है, तो लद्दाख। कहाँ हो जाएगा आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लद्दाख में इसका उद्घाटन किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न, सुनील शेट्टी, सुनील शेट्टी जो है, सुनील शेट्टी को नाडा का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। किसके? सुनील शेट्टी को जो है नाडा का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जो है कि भारत के जो है किस राष्ट्र की यात्रा करने वाले भारतीयों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया गया है? तो कहाँ की यात्रा करने के लिए? तुर्की की। ठीक, कहाँ की? तुर्की की। अगला क्वेश्चन है कि कन्या सुमंगला योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो कन्या सुमंगला योजना जो है उत्तर प्रदेश ने, किस राज्य ने शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने शुरू की है। ठीक, अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में पेट्रोल पंप स्थापित करने के मानदंडों को ढील दी है, मानदंडों के अनुसार किन कंपनियों को पेट्रोल पंप चलाने की अनुमति होगी? तो गैर तेल कंपनियां। किसको? गैर तेल कंपनियों को जो है पेट्रोल पंप चलाने की अनुमति दी गई है। ठीक, अगला प्रश्न है किस राज्य की केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक बस सेवा में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा देने की घोषणा की है? तो किसने? दिल्ली की सरकार ने जो है महिलाओं को मुफ्त यात्रा देने की प्रावधान दिया है। ठीक, अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने संसदीय सुधारों के लिए एक नए चार्टर का अनावरण किया है, इस चार्टर में जो है कितने बिंदु हैं? तो 15 बिंदु हैं। कितने बिंदु हैं? 15 बिंदु हैं। ठीक, अगला प्रश्न है किस मंत्रालय ने जो स्वच्छ निर्मल तट अभियान 2019 शुरू किया है? तो ये पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। किसने? पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ये शुरू किया है। अगला प्रश्न है कि बाल दिवस 2019 के अवसर पर किस राज्य ने शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो बाल दिवस 2019 के शुभ अवसर पर असम ने, किसने? असम ने जो है शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने गन्ना किसानों के लिए ई गन्ना ऐप लॉन्च, तो कौन सा राज्य है? तो ये राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य जो है किसानों के लिए ई गन्ना योजना लॉन्च किया है, ई गन्ना ऐप लॉन्च किया है। ठीक, अब देख लेते हैं राष्ट्रीय एवं राज्य से संबंधित प्रश्न। ठीक, तो हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 में कितने निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किए गए? तो हरियाणा विधानसभा में जो है कितने? 90, 90 विधानसभा क्षेत्रों में जो है निर्वाचन किया गया। अभी हाल ही में जो है दोस्तों अरविंद केजरीवाल जो है, जो दिल्ली की पार्टी है अरविंद केजरीवाल की आप पार्टी, वो फिर से सत्ता में आ गई है, और वो वहाँ के मुख्यमंत्री कौन होंगे? अब अरविंद केजरीवाल। पहले भी अरविंद केजरीवाल थे और अभी अरविंद केजरीवाल होंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में आयुर्वेद प्रशासनिक देखभाल इकाई का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ किया गया है आयुर्वेद प्रशासनिक देखभाल इकाई का उद्घाटन? तो नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। ठीक, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने केंद्रीय योजना पीएम किसान लागू करने पर सहमति व्यक्त की है? तो किस राज्य की सरकार ने? तो नई दिल्ली की। कहाँ की सरकार? तो नई दिल्ली की सरकार ने जो है ये योजना लागू करेगी। ठीक, अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी न्यूनतम रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराधों की सूची में सबसे ऊपर है? तो कौन सा राज्य है महिलाओं के खिलाफ अपराध में? तो यह है उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने प्रतिबंधित पटाखों के भंडारण, बिक्री और खरीद के लिए तुरंत जुर्माना लगाने का फैसला लिया है? तो कौन राज्य हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है कि प्रतिबंधित पटाखों के भंडारण, बिक्री और खरीद पर तुरंत जुर्माना लगाने का फैसला लिया था। ठीक, अगला प्रश्न है कि किस मंत्री ने भारत के हिम तेंदुओं की आबादी को विनिर्दिष्ट करने के लिए पहला प्रोटोकॉल जारी किया है? तो कौन मंत्री है? प्रकाश जावड़ेकर। कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जो है कि मॉरिशस के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो मॉरिशस के जो है नए राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन। कौन है? मॉरिशस के नए राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जो है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कितनी सीटें जीती है? तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जो है भाजपा ने कितने? 105 सीटें जीती है। कितनी जीती है? तो 105। ठीक, अगला प्रश्न है, कौन सा जिला जो है गुजरात का पहला किरोसिन मुक्त जिला बन गया है? तो कौन जिला है? तो गांधीनगर जो जिला है ये पहला किरोसिन मुक्त जिला बन गया है। ठीक, अगला प्रश्न है, हरियाणा में किस पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीती है? तो हरियाणा में जो है किस पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीती है? तो बीजेपी, बीजेपी यानी भाजपा। ठीक, अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक को किस राज्य के लिए नया गवर्नर यानी स्थानांतरित किया गया है? तो सत्यपाल मलिक जो है ये जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, लेकिन अब ये गोवा के गवर्नर हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि झारखंड चुनाव जो हुआ है ये कितने चरण में हुआ था? झारखंड का चुनाव तो 5 चरणों में हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न है, झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में
जो सर्वाधिक सीटें किस राजनीतिक दल ने जीती, तो झामुमो, ठीक, झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो, ठीक। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल किस राज्य में घोषित किया गया है, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल जो है किस राज्य में घोषित किया गया है, तो नई दिल्ली में, ठीक। अगला प्रश्न है, ओडिशा को हाल ही में के अंतर्गत किस राज्य का राज के साथ टैग किया था, तो किस राज्य के साथ, तो महाराष्ट्र हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के साथ ये टैग किया था, ठीक। अगला प्रश्न है, कनाडा के चुनाव 2019 में कौन किंग मेकर की भूमिका में उभरा, तो कौन जो है किंग मेकर की भूमिका में उभरा, तो यह है जगमीत सिंह, कौन उभरे, जगमीत सिंह। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किसे ऊर्जा मंत्री के पद के लिए नामित किया गया है, तो ये कौन है, ड्रेन ब्रोइलेट, कौन है, तो ये है ड्रेन ब्रोइलेट, ठीक। अगला प्रश्न है कि जम्मू एवं कश्मीर के दौरे पर यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल कितने सदस्य भारत आए थे, तो कितने सदस्य भारत आए थे, तो 27, ठीक। किस देश ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए रुचि दिखाई है, तो कौन सा देश है ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए रुचि दिखाया है, तो फिलीपींस, ये कौन हो जाएगा, फिलीपींस, ठीक। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की दूसरी सभा का जो है मेजबानी किस शहर ने की है, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की जो है दूसरी सभा की मेजबानी नई दिल्ली ने की है, किसने, नई दिल्ली, ठीक। अगला प्रश्न है, PDRDF द्वारा हाल ही में नागरिकों को किस श्रेणी के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना में भर्ती कराने की अनुमति दी गई थी, तो इसका सही आंसर कौन सा, भारतीय प्रवासी नागरिक, किसके लिए, भारतीय प्रवासी नागरिक के लिए, ठीक। अगला प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में भारत के साथ उच्च स्तरीय रणनीतिक साझेदारी परिषद स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो कौन हो जाएगा, सऊदी अरब, कौन सा देश हो जाएगा, सऊदी अरब, ठीक। अगला प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री ने जो है हाल ही में व्हाट्सएप और फेसबुक का उपयोग करने के प्रधानों के विरुद्ध देशव्यापी विरोध के प्रदर्शन के बाद त्यागपत्र दे दिया, तो कौन सा देश है, लेबनान, कौन देश है, तो लेबनान हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में COP25 एपेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी रद्द कर दी, तो कौन सा देश है, चिली, ठीक। और निम्नलिखित में से जो है विश्व के नेताओं में से कौन जो है 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक भारत की यात्रा पर रहे, तो कौन थे, एंजेला मर्केल, ठीक। अगला प्रश्न है कि भारत ने हाल ही में समुद्री कूड़े की रोकथाम के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता किया है, तो समुद्री कूड़े को जो है रोकथाम के लिए किसके साथ, तो जर्मनी के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है कि किस शहर ने 35वें एशियान शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, तो कौन सा शहर हो जाएगा, तो बैंकॉक, वो शहर जो कौन है, तो बैंकॉक ने जो है 35वें एशियान शिखर सम्मेलन की जो है मेजबानी की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राष्ट्र के साथ धन शोधन से निपटने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है, तो कौन सा हो जाएगा, अमेरिका, ठीक। क्या होगा, COP25 की मेजबानी कौन सा देश का, COP25 की मेजबानी जो है स्पेन करेगा, कौन करेगा, स्पेन, ठीक। अगला प्रश्न है, हाल ही में नवंबर 2019 में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र को पेरिस जलवायु समझौते से स्वयं को अलग रखने के बारे में सूचित किया है, तो कौन सा देश है, अमेरिका, ठीक। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस वर्ष तक ऑनलाइन शॉपिंग को एक नशे की लत विकार के रूप में चिन्हित करने की घोषणा की है, तो कौन सा हो जाएगा, 2024, ठीक। देखते हैं अगला प्रश्न, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने कितने करोड़ की पूंजी खरीद की मंजूरी दी है, तो कितने करोड़ की, तो 3300 करोड़ की जो है खरीदने की मंजूरी दी गई है, ठीक। अगला प्रश्न है कि किस देश ने भारत के साथ अपनी डाक सेवाओं को बंद कर दिया है, तो कौन सा देश है, तो यह है पाकिस्तान, ठीक, लेकिन फिर से ये चालू हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है, तो 2019 के जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो है भारत का स्थान 63 है। 35वें एशियान शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है, तो 35 एशियान शिखर सम्मेलन की मेजबानी बैंकॉक शहर में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस संगठन ने हाल ही में खुलासा किया कि 1.3 मिलियन की भारतीय भुगतान कार्ड डार्क वेब पर बिक्री के लिए उपलब्ध है, तो ये कौन सा हो जाएगा, JD नेट, कौन हो जाएगा, JD नेट। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश नो मनी फॉर टेरर 2020 का जो है सम्मेलन की मेजबानी किया, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, भारत, नो मनी फॉर टेरर के लिए 2020 में मेजबानी कौन करेगा, तो भारत करेगा, ठीक। अगला प्रश्न है कि 13वें से 14 नवंबर 2019 तक 11वें ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी किसने किया है, तो ये कौन किया है, ब्राजील, ठीक।
अगला प्रश्न है कि किस भारतीय क्रिकेटर ने द्विपक्षीय टेस्ट सीरीज में सबसे अधिकतम छक्के मारने का रिकॉर्ड बनाया, तो कौन हो जाएगा? रोहित शर्मा। ठीक, अगला प्रश्न है किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत की लक्ष्मी अभियान का जो है समर्थन किया है, तो कौन सा बैडमिंटन खिलाड़ी? तो ये हो जाएगी पीवी सिंधु। ठीक, अगला प्रश्न है क्रिकेट के सभी प्रारूपों से के शीर्ष सूची में प्रवेश होने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज कौन से हैं? तो ये रोहित शर्मा। कौन है? रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश के कुछ किस पूर्व क्रिकेटर एवं कप्तान पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये कौन हो जाएंगे? शकीबुल हसन। शकीबुल हसन पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है 2 साल के लिए। ठीक, भारत और बांग्लादेश के बीच पहला डे नाइट टेस्ट मैच किस मैदान पर खेला गया? तो भारत एवं बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट डे नाइट मैच ईडन गार्डन में खेला गया। किस देश ने रग्बी 2019 का खिताब जीता है? तो कौन सा देश है? साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है कि हाल ही में संपन्न विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2019 में जो है भारत की रैंकिंग क्या है? तो हाल ही में संपन्न 2019 को जो है एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत की रैंकिंग 24 है। ठीक, चलिए देखते। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय बल्लेबाज ने हाल ही में 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाते हैं, वो हो जाएगा कौन सा? तो रोहित शर्मा। क्या हो जाएगा? रोहित शर्मा। अगला प्रश्न है 2023 का जो है हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2030 की जो है हॉकी विश्व कप की मेजबानी भारत करेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है 50वां T20 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो 50 T20 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज युजवेंद्र चहल बने हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि किस क्रिकेटर को जो है ICC ने अपनी नवीनतम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग से हटा दिया है? तो कौन हो जाएगा? शकीबुल हसन। ठीक, अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में भाला फेंक प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो सुंदर सिंह ये गुर्जर है। कौन? सुंदर सिंह गुर्जर। ठीक, अगला प्रश्न है कि 23 अक्टूबर 2019 को अंडमान निकोबार द्वीप में जो है पर किस संस्था ने 2 BrahMos मिसाइलें दागी? तो कौन? यह हो जाएगा सही आंसर, भारतीय वायुसेना। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, एवं जो दोस्त जो है चैनल पर नए हैं अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तथा अपना जो सेशन बिहार SI मेंस का जो है प्रैक्टिस सेट चलता है डेली, उसे आप जो दोस्त जो है बिहार SI का तैयारी कर रहे हैं उस प्रैक्टिस सेट को बनाना ना भूलें। उस प्रैक्टिस सेट का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से आप इस प्रैक्टिस सेट को बना सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने राजनीतिक विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है? तो कौन सा सोशल मीडिया है? तो ट्विटर। ट्विटर ने जो है राजनीतिक विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने की फैसला किया है। ठीक, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस दिग्गज प्रौद्योगिक कंपनी ने फिटबिट वियरेबल का अधिग्रहण किया है? तो फिटबिट वियरेबल का अधिग्रहण किसने? गूगल ने किया है। अगला प्रश्न है किस IIT ने इसरो के साथ मिलकर एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सेल स्थापित करने की घोषणा की है? तो कौन सा हो जाएगा? IIT दिल्ली। कौन सा? IIT दिल्ली। चीन ने हाल ही में किस देश का पहला उपग्रह लॉन्च किया है? तो चीन ने जो है हाल ही में सूडान का उपग्रह लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है कि किस शहर के छात्रों के एक समूह ने सबसे बड़े खगोल भौतिकी पाठ के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो कौन सा देश है? कोलकाता हो जाएगा। कौन सा जो है शहर है? तो कोलकाता। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है किस शिक्षण संस्थान ने भारत की पहली स्टैंडिंग व्हील चेयर बनाई है? तो स्टैंडिंग व्हील चेयर जो है IIT मद्रास। ठीक, अगला प्रश्न है किस देश ने के उपग्रह हायाभूसा 2 ने रेग्यू नामक क्षुद्र ग्रह से अपनी पृथ्वी पर वापस की यात्रा की? तो कौन सा देश है? जापान। कौन सा देश का है? तो जापान का। ठीक, अब कुछ विविध प्रश्न जो है देख लेते हैं। विश्व का जो है सबसे पुराना ज्ञात प्राकृतिक मोती किस शहर के तट पर खोजा गया है? तो किस शहर के तट पर खोजा गया है? अबू धाबी। ठीक, अगला प्रश्न है कि सांस्कृतिक मंत्रालय ने जो है भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक, कौन सा? एक पोर्टल लंच किया। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में जो है राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। ठीक, तवांग उत्सव के 7वें संस्करण की मेजबानी किस राज्य ने किया है? तो तवांग उत्सव को जो है 7वें संस्करण की मेजबानी अरुणाचल प्रदेश ने किया है। कौन? अरुणाचल प्रदेश। ठीक, अगला क्वेश्चन है 31 अक्टूबर को किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि मनाई गई? तो 31 अक्टूबर को जो है इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई है। अगला प्रश्न है महिला सैनिकों को किस वर्ष तक भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा? तो महिला सैनिकों को जो है वर्ष 2021 तक भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। ठीक,
अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश अफ्रीकी स्वाइन बुखार के प्रकोप से पीड़ित है? तो भारत का पड़ोसी देश चीन जो है अफ्रीकी स्वाइन बुखार से पीड़ित है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में कोरोना वायरस से भी पीड़ित है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी के लिए एक सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया गया है कि राज्यों में बिजली कटौती न करें, तो किसने दिया है यह निर्देश? सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। ठीक, अगला प्रश्न है कि कौन सा शहर राष्ट्रीय जनजाति उत्सव की मेजबानी कर रहा है? तो कौन सा शहर जो है राष्ट्रीय जनजाति उत्सव की मेजबानी, तो नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, हाल ही में हर साल विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाता है? तो हर साल जो है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को। किस दिन मनाता है? तो 5 नवंबर को। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है, किस देश ने अल्जाइमर की इलाज करने वाली घरेलू दवा की बिक्री पर रोक लगा दी है? तो कौन सा देश है? चीन। ठीक, कौन देश हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चीन। ठीक, अगला प्रश्न है, सशस्त्र संघर्ष के दौरान पर्यावरण दोहन को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो सशस्त्र संघर्ष के दौरान जो है इसके लिए जो है 6 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि आगामी बॉलीवुड फिल्म ने अहमद शाह अब्दाली के चरित्र पर अफगानिस्तान के साथ भारत के संबंधों को प्रभावित करने की आशंका को जन्म दिया था, कौन सा फिल्म है? पानीपत। कौन हो जाएगा? पानीपत। अगला प्रश्न है कि किस देश ने मलेरिया एवं डेंगू महामारी बुखार फैलने के कारण स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो डेंगू के कारण यमन ने जो है स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, कुल कितनी बार महाराष्ट्र में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में जो है कुल अब तक 3 बार महाराष्ट्र में जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस झील में विभिन्न प्रजातियों के 1000 से अधिक प्रवासी पक्षी मृत पाए गए? तो किस झील में? जो सांभर झील में। किस झील में? सांभर झील में। ठीक, अगला प्रश्न है, संसदीय समिति के रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल कितने प्रतिशत लोग कैंसर के कारण मरते हैं? तो कितने परसेंट? तो 68% हो जाएंगे। ठीक, अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मामले में समीक्षा याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मामले में समीक्षा याचिका को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया है। बड़ी पीठ में कितने सदस्य हैं? तो बड़ी पीठ में जो है 7 सदस्य हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, देखते हैं अगला प्रश्न जो है, कुछ महत्वपूर्ण दिवस है फरवरी के, कुछ महत्वपूर्ण दिवस। ठीक, तो फरवरी में जो है जो महत्वपूर्ण दिवस है उसको देख लेते हैं लोग। तो 4 फरवरी को जो है कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस जो 4 फरवरी को मनाया जाता है। किस दिन? 4 फरवरी को जो है विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। एवं 5 फरवरी के सुरक्षित इंटरनेट दिवस 5 फरवरी को, एवं 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, एवं 13 फरवरी को जो है विश्व रेडियो दिवस एवं महिला दिवस दोनों मनाया जाता है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस एवं महिला दिवस, एवं 20 फरवरी को सामाजिक न्याय का विश्व दिवस, एवं 21 फरवरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 21 फरवरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, और 24 फरवरी को जो है केंद्रीय उत्पाद दिवस मनाया जाता है। 24 फरवरी को कौन सा दिवस? केंद्रीय उत्पाद दिवस। ठीक, और 27 फरवरी को जो है विश्व एनजीओ दिवस, 27 फरवरी को कौन सा दिवस? विश्व एनजीओ दिवस। ठीक, तथा 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक, कुछ प्रमुख पुस्तक एवं उसके लेखक देख रहे हैं, द बिग रिवर्स हाउ डिमोनेटाइजेशन नॉक्ड इंडिया आउट। ठीक, तो इसके लेखक कौन है? मीरा सन्याल है। कौन है? मीरा सन्याल। ठीक, द बिग रिवर्स हाउ डिमोनेटाइजेशन नॉक्ड इंडिया आउट, इसके लेखक कौन है? मीरा सन्याल। अगला पुस्तक है मेमोरीज ऑफ टुमारो के लेखक कौन है? तो डीन कुंट्स। मेमोरीज ऑफ टुमारो के लेखक टीम कुंडजुर हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, पार्टीशन ऑफ हार्ट ऑन मेकिंग द आइडिया ऑफ इंडिया, तो इसके लेखक कौन है? हर्ष मंदर। ठीक, पार्टीशन ऑफ हार्ट ऑन मेकिंग द आइडिया ऑफ इंडिया, इसके लेखक कौन है? हर्ष मंदर। ठीक, अगला है कि डार्क सर्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो डार्क सर्कल्स पुस्तक के लेखक हैं उदयन मुखर्जी। कौन है? उदयन मुखर्जी। ठीक, अगला प्रश्न है कि हेमंत करकरे ए डॉटर्स मेमोर पुस्तक के लेखक कौन है? तो जुई करकरे। हेमंत करकरे पुस्तक के लेखक जुई